अखंड हरिनाम शू महापुराण कथा शू महापुराण प्रवक्ते श्रद्धेय नयनाताई साळवे कार्यक्रम स्थळ लोंढरे तालुका शहादा जिल्हा नंदुरबार। भगवान भोलेनाथ के विवाह की इतनी सुंदर प्रशंसा यह की है कि शिवो अपि स्वगिरौ तस्थो पार्वत्या विहरण मुदा सर्वे गणा सुखम प्रापुर अतीव स्वजवन शिवो। इस प्रकार बहुत सुंदर से जो है पार्वती के साथ भगवान आनंद लेते हुए विहार कर रहे हैं। इस प्रकार इधर जो है नारद जी ब्रह्मा जी से पूछ रहे कि भगवान हे पितामह, आपने जो है भगवान भोलेनाथ का विवाह का वर्णन जो इतना सुंदर किया, तो आगे जाकर के उनके पुत्र कैसे हुए और जिसलिए देवी देवताओं ने काम को आगे रख करते हुए भगवान भोलेनाथ की समाधि तोड़ी, इतना ही नहीं जिस कार्य सिद्ध करने के लिए जो है पार्वती मैया का विवाह करा दिया गया वो कार्य आगे कैसे पूर्ण हुआ, कैसे तारकासुर का वध हुआ, ये हमको आप जो है विस्तार पूर्वक बताइए, इसका वर्णन कीजिए। तो एक जगह जो है नारद जी ब्रह्मा जी से कथा सुन रहे हैं और एक जगह संकादि ऋषि भगवान नंदीश्वर से कथा सुन रहे हैं और इधर 88,000 ऋषि मुनि नेमिष अरण्य में बैठते हुए अपने यज्ञ का काम पूरा करते हुए श्री सूत जी से कथा सुन रहे। तो तीनों जगह यही प्रश्न पूछा जाता है कि आगे चल करके फिर भगवान का दाम्पत्य जीवन में कैसे परिणत हुआ, आगे फिर तारकासुर का वध कैसे हुआ, इस प्रकार आप हमको श्रवण कराइए। तो पूछा कि कथम ही तनयो यज्ञ शिवस्य परमात्मनः नयदर मात्मा रामोपि समवाह शिवाम प्रभु। ब्रह्मा जी बताने के लिए शुरुआत करते कि जो भगवान शिव का जो पहला पुत्र हुआ वो कार्तिकी हुआ, तो उसकी जन्म की कथा को जो ध्यान से सुनो, मैं तुमको विस्तार पूर्वक बताता हूँ। तो हमने कथा के दूसरे दिन भी हम लोगों ने श्रवण किया था जब सृष्टि का वर्णन चल रहा था और तीसरे दिन जब हम एकादश रुद्र का अवतरण किस प्रकार हुआ, कैसे वो उनका प्रकट कर हुआ, ये कथा हमने श्रवण की थी। तो किस प्रकार की थी, जब भगवान भोलेनाथ जो है मोहिनी अवतार का दर्शन नहीं कर पाए थे तो उन्होंने उनके मन में जो है कष्ट होने लगा कि मैंने आज तक के जो है भगवान विष्णु के सारे अवतारों का दर्शन किया लेकिन ये एक ही अवतार ऐसा है जो मैंने विष प्राशन करने के बाद भांग पी और भांग के नशे में दुप्त होकर मैं निद्रा में चला गया, इसलिए यही अवतार का मैं दर्शन नहीं कर पाया। तो मन में कहीं ना कहीं इसका कष्ट हो रहा था, तो भगवान भोलेनाथ कष्ट में रहे ये भगवान विष्णु को कदापि सहन नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान विष्णु ने फिर से भगवान भोलेनाथ को दर्शन देने के लिए एक सुंदर युवती का अवतार धारण किया था जिसको बाद में मोहिनी कहा जा सकता है। तो जैसे ही भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी पार्वती के साथ जैसे ही जा रहे थे तो जाते समय बीच में ही एक सुंदर कन्या जो है विक्रीडियतम कंदुकम लीलाया, विक्रीडितम माने खेल रही थी, किससे खेल रही थी, तो कंदुकम कंदुक के साथ माने बॉल के साथ खेल रही थी, चेंडू के साथ खेल रही थी, लीलाया लीला कर रही थी, कौन लीला कर रही थी, तो भगवान विष्णु लीला कर रहे थे। इस प्रकार जैसे ही उस सुंदर कन्या को भगवान भोलेनाथ ने देखा तो उसके पीछे भाग पड़े। तो उस दिन भी हमने श्रवण किया था कहाँ कहाँ भागे, नदियों में भागे, आदि आदि पर्वत के ऊपर भागे, जाने कितने भगवान जो है किसी के में भी आसक्त नहीं होते, वो है तो
वैष्णवों में प्रमुख है, लेकिन जगत को दिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए ये सब लीला रच रहे थे। तो हमारा कहने का भाव तो यही था कि जब उस मोहिनी अवतार के पीछे जैसे ही भगवान भोलेनाथ भागे थे, तब जब उनका वीर्य स्खलित हुआ था, तो उसी वीर्य को जो है वायु देवता उड़ा करके लेके गए। तो अंजनी मैया जो है आलस कर रही थी, तो आलस देते समय उनका मुख जो है खुला हुआ था, तो वायु देवता के जैसे ही से छूटा, तो वही वीर्य अंजनी मैया के यहाँ श्री शिव महापुराण के अनुसार अगर लिया जाए तो कान के छिद्र से गया, कान के छिद्र से डाला गया। किसने डाला था? ऋषि मुनियों ने डाला था ऐसा कहा जाता है, लेकिन भागवत के अनुसार अगर लेंगे तो मुख से डाला गया, वो भी वायु देवता ने डाला था ऐसा कहा जाता है। तो उसी बाद में फिर उसी अंजनी मैया के गर्भ से जो है भगवान हनुमान का प्रागट्य हुआ, हनुमान जी महाराज प्रागट्यकरण उनका हुआ। फिर जैसे ही एक अंश तो उधर बढ़ गया, लेकिन एक अंश जो था वो नक्षत्रों की जो है चंद्र की छह पत्नियां थी, तो कृतिका आदि जो थी तो उन्होंने एक अंश धारण किया था, तो छह होने के कारण छह ने भी जो अंश धारण किया तो छह मुख वाला पुत्र पैदा हुआ, जिसको हम कहते हैं षडानन। तो वही आगे चल के कृतिका माने कृतिका के पुत्र होने की वजह से उनका आगे चल कर के नाम हुआ कार्तिकेय। बताया गया है कि वो चिरंजीवी हुए, इतना ही नहीं तो ऐश्वर्य प्रदान थे, बहुत सारे देवी देवताओं ने उनका आशीर्वाद भी दिया था। लक्ष्मी ने जो है उनको दिव्य संपत्ति था, एक विशाल मनोहर हार अर्पित किया था। इस प्रकार सावित्री ने आगे जाकर के प्रसन्न होकर के उनको सिद्ध विद्या कार्तिकी सभी देवी देवताओं ने हुए। फिर वो बड़े होने के बाद फिर जिस कार्य के लिए उनका जन्म होने वाला था, उसी कार्य को सिद्ध करने के लिए ब्रह्मा जी नारद जी को ये कथा सुना रहे। बोले आगे तुम ध्यान करके सुनो क्या हुआ। तो रण क्षेत्र में सभी देवी देवता जो है वहाँ उनके कैलाश पर आने के बाद भगवान विष्णु ब्रह्मा आदि करके देवता कार्तिकेय को लेकर के युद्ध भूमि में गए। युद्ध भूमि जाने के बाद इंद्र ने जो है अपने ऐरावत हाथी के ऊपर जो है कार्तिकेयों को बिठाते लेके गए, और जैसे ही तारकासुर को भी उधर से पता चला, आकाशवाणी हुई थी, तो आकाशवाणी होने के कारण तारकासुर को पता चल गया कि सामने से जो है साक्षात शिव नंदन पार्वती नंदन मेरे साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है, उनके साथ सभी देवतागण हैं। ऐसे जब पता चला तो उधर से तारकासुर आया, और यहाँ फिर देवताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए जो आकाशवाणी हुई थी, देवताओं से कहा गया अरे अगर तुम अभी युद्ध करोगे तो आगे आने वाला जो देवासुर संग्राम है उसमें तुम सभी दैत्यों को पराजित कर दोगे, इसलिए यहाँ ऐसा युद्ध करो कि तारकासुर का वध हो जाए। आपस में युद्ध होने लगा तो देवता और दैत्य का भय क्रोध के मारे आपस में इतने युद्ध हुए कि बहुत दिन तक वो युद्ध चला, और इसके बाद तारकासुर एक एक देवताओं को पछाड़ करके मारने लगा। वीरभद्र जो थे भगवान भोलेनाथ के जो गण थे जो जटा से उत्पन्न हुए थे क्रोध में, वीरभद्र ने जैसे ही देखा कि देवताओं को पछाड़ पछाड़ के मार रहा है तारकासुर, तो उसके पीछे लग गए, इतना उसके साथ युद्ध किया, उसका भी युद्ध बहुत घोर युद्ध हुआ, बहुत दिन तक चला। फिर आगे जाकर के 10,000 गायें धारण करने वाला सिंह के ऊपर बैठकर आने वाला वो तारकासुर को झपट लिया वीरभद्र ने, और जैसे ही उसको मार डालने के लिए छेद करने के लिए तैयार हो गए, तो उतने में ही समझाया सभी देवताओं ने समझाया हाथों वाला बाहु वाला छोड़ दिया। तो
अंदर अब तुम जाओ। हम सब देवी देवताओं का आशीर्वाद तुम्हारे पीछे है, तुम्हारे ऊपर है, तुम जाओ करके आओ। अकेले बोले तुम जाओ, मैं अकेला जाऊंगा। इस प्रकार शंकर जी ने जो विमान लड़ने के लिए कार्तिकेय को दिया था, उसी विमान के ऊपर आरूढ़ होकर के इधर से कार्तिकेय निकले। उधर से तारक भीषण युद्ध कर रहा था, भीषण युद्ध करते हुए सभी देवताओं को पछाड़ते हुए आ रहा था। और इधर जो है कार्तिकेय ने अपने माता पिता का स्मरण किया, उनके चरणों का स्मरण किया। और जैसे ही आदेश दिया होने के बाद सभी देवी देवताओं ने उनकी बहुत प्रशंसा की। प्रशंसा करते हुए सब बहुत प्रसन्न हुए कि अब जो है हमको हमारी गति, हमारा स्वर्ग प्राप्त हो गया। तो बहुत सारे फिर देवताएं कार्तिकेय को लेकर के फिर कैलाश लौटे। वहाँ फिर सभी देवी देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। फिर विजय उत्सव मनाने गया। इतना विजय, इतना बड़ा विजय उत्सव मनाया कि वहाँ बहुत दिन तक फिर पुष्प वृष्टि होते हुए अप्सरागण नृत्य करते हुए गंधर्व गाते हुए बहुत दिन तक वो उत्सव चला। फिर वहाँ कैलाश जाने के बाद अधुना श्रोतुम इच्छामि गणेशम उत्तमम तज्जन्म चरितम दिव्यम सर्व मंगल मंगलम। इस प्रकार जब यह कार्तिकेय के जन्म के विषय में सुन करके फिर कार्तिकेय ने कैसे किस प्रकार तारकासुर का वध किया, इस प्रकार फिर हमने वो भी कथा श्रवण की। नारद जी ब्रह्मा जी से फिर कह रहे कि हे प्रभु, हे पितामह, आगे की कैसे फिर गणेश जी का जन्म हुआ ये भी हमको मंगल कथा श्रवण कराइए। फिर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अयानाम शंकरम दृष्ट्वा समये जगदंबिका उत्तस्तु मज्जति सावई लज्जिता सुंदरी। तथा एक बार ऐसा हुआ कि पार्वती मैया की जो थी दो सखियां थी, एक का नाम था जया और एक का नाम था अजया। दोनों सखियां आपस में बातचीत कर रही थी कि लेकिन सब उन्हीं के आश्रय में रहते हैं, बाद में सब उन्हीं की मांगते हैं और हमारी माता पार्वती के पास तो कोई गण नहीं और है भी तो कोई उनकी बात नहीं मानता, सब साथ देते हैं, भगवान बोलने जैसे आ जाते हैं। तो माता पार्वती के मन में भी ये विचार आने लगे कि मेरा तो यहाँ कोई गण नहीं है जो केवल मेरी ही बात माने, अन्य किसी की ना माने, फिर चाहे भगवान भोलेनाथ की, ऐसा मेरा तो कोई गण होना चाहिए। तो इस प्रकार विचार करते हुए माता पार्वती ने नंदी को बुलाया और द्वार पे खड़ा कर दिया। बोले कोई भी अगर अंदर आना चाहिए तो आने नहीं देना, कोई किसी को आने न देना। तो इधर जो है पार्वती मैया नंदी को आदेश देते हुए द्वार पर खड़ा करते हुए अंदर कक्ष में निकल गई और अपने सखियों के साथ जो है स्नान आदि क्रिया कर्म करने लगी। इधर से भोलेनाथ अपने गणों के सहित पार्वती मैया के कक्ष में आ रहे थे। बाहर नंदीश्वर खड़े थे, नंदीश्वर से कहने लगे कि तुम यहाँ खड़े क्यों हो, बोले माता ने खड़ा किया है, बोले हट जाओ मुझे अंदर जाना है। जैसे ही स्वामी की आज्ञा तो पहले होती है, सर्वप्रथम होती है, स्वामी की आज्ञा का अनादर न करते हुए हाथ जोड़ करके बोले प्रभु मैं तो कुछ कह नहीं सकता लेकिन हट तो जरूर सकता हूँ। हटने के बाद जैसे ही भगवान भोलेनाथ अंदर गए तो माता पार्वती जो है भगवान भोलेनाथ को देख करके लज्जित हो गई। यहाँ वर्णन किया है उत्तस्तु मज्जति
सुंदरी तथा मस्जिद तो हो गई, लेकिन मन में ये क्रोध आया कि मैंने नंदी को वहाँ खड़ा किया था, द्वारपाल बना के वहाँ रखा था, फिर भी इसने भोलेनाथ को अंदर कैसे आने दिया। फिर जो है मन में सोचते हुए फिर वही सखियों की बात याद आने लगी कि अरे सच में मेरा कैलाश के ऊपर कोई नहीं है। आप एक बार बोली हर हर महादेव, क्यों इतनी कंजूसी कर रहे, और थोड़ी दूर से बोलिए हर हर महादेव। आप नहीं बोल सकते हरेर नाम ही वह केवलम, और कलव नास्ते 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 गति रण्य था। एक बात जरूर ध्यान में रखना, चाहे हम कहीं भी बैठे रहे, कहीं पे भी रहो, लेकिन नाम लेने में कभी लज्जा मत करना, चाहे किसी के सामने हो। इसलिए भगवान का नाम लेना तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, इसलिए फिर एक बार कहिए हर हर महादेव। ये हुई अब बात। इस प्रकार जब पार्वती मैया सोच रही है, मैं पढ़ रही है, सोच रही है कि सखियों की बात तो सही है, फिर मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर एक दिन बैठ करके जो है विचारेति च सा देवी बपुषो मंगल संभवम, बपुषो मल संभवम पुरुषम निर्ममो साधु सर्व लक्षण संयुतम। विचार करते हुए एक जगह बैठ करके जो है हाथ का मल निकालने लगी, बपुषो मल संभवम, हाथ का मल निकालते निकालते वो मल इतना बड़ा हो गया, ज्यादा हो गया, तो उसी का जो है एक दिव्य पुरुष बनाया, सुंदर उसका शरीर बना करके वो दिव्य पुरुष इतना विशाल बना कि उसको फिर मैया ने जो है पानी छिड़कते हुए, जल छिड़कते हुए उसको उसके अंदर अपनी आदि शक्तियां डालते हुए एक जीव उसको निर्माण कर दिया। और बाद में फिर मैया ने उसको कहा, जैसे ही उसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे देवी आप कौन है, मैं कैसे यहाँ आ गया, तो बोले तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी माता हूँ, मेरे ही अंग से तुम पैदा हुए हो। तो इस प्रकार बोले कि जैसे ही उन्होंने सुना कि मैं पुत्र हूँ, तो बोले हाँ भैया मेरे लिए क्या आदेश है, किस कार्य के लिए आपने मुझे जन्म दिया। इस प्रकार पूछने के बाद बोले कि जाओ विनामदाज्ञाम सत्पुत्रम नैवायन मत गृहांतरम कोपी क्वापी हटात्ताद सत्यमेत मयोदितम, सत्यमेतत मयोदितम। बोली कि जब तक मैं आज्ञा ना दूं मया विना मया दाज्ञाम सत्पुत्रम, कि हे मेरे सत्पुत्र जब तक मेरी आज्ञा ना हो तो नैवायन मत गृहांतरम, मेरे ग्रह के अंदर कोई भी आना नहीं चाहिए, किसी को भी यहाँ प्रवेश नहीं होना चाहिए, कोपी कोई भी हो, क्वापी कहीं से भी आया हो लेकिन फिर भी यहाँ नहीं आना चाहिए। हटात्तात सत्यमेव सत्यमेतत मयोदितम, ये मेरी सत्य बात सुन लो, ये मेरी सत्यवाणी है, तुम्हारे कर्ण में इसको पैक कर लो, ताला लगा के रख दो, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। इस प्रकार जब आदेश दिया तो मैया को प्रणाम करते हुए वही गणेश जी फिर चले गए, द्वार के ऊपर खड़े रहे, और इधर जो है मैया फिर से अपने सखियों के साथ रमन कर रही है। भगवान भोलेनाथ फिर अपने गणों के सहित वहां आए, आने के बाद जैसे ही देखा कि एक विशाल शरीर वाला पुरुष यहाँ खड़ा है, अंदर जाने के लिए जैसे उसको हटाने लगे, बोले कौन हो तुम, यहाँ कैसे खड़े हो गए हो, तो बोले मैं अपने माता के आदेश से यहाँ खड़ा हूँ। बोले अरे मुझे नहीं पहचानते, जैसे ही नंदीश्वर आदि गण उससे पूछने लगे तो बोले अरे हमको तो छोड़ो, इनको नहीं पहचानते, साक्षात भोलेनाथ है, जो भी हो मेरा प्रणाम हो, लेकिन मेरी मैया का आदेश है, मैं अंदर नहीं जाने दे सकता, मातुर आज्ञा बिना देव गम्यताम न त्वया अधुना, जब तक माता की आज्ञा प्राप्त ना हो गम्यताम न त्वया अधुना, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। तो भगवान बोले क्रोध में आ गए, अरे मूर्ख मुझे नहीं पहचानते हो, और मूर्ख जी की बात मेरे सामने रख रहे हो, मूर्खों से तुम न जाना से, क्या तुम मूर्ख हो, मैं मुझको जानते नहीं हो, शिवोहम गिरिजापति, मैं शिव हूँ, मैं गिरिजापति हूँ, स्वगृहम यानि रे बालम निषेधसि कथम हिमाम, ये मेरा घर है,
मुझे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, मैं जाऊंगा, हट जाओ मेरे रास्ते से। मूर्ति जैसी बात करते हो, फिर उसको फटकारते हुए जैसे ही भगवान भोलेनाथ उसको अंदर जाने के लिए बोल रहे, फिर भी वो मान नहीं। भगवान भोलेनाथ ने अनेक देवताओं को बुलाया, यहाँ पे विष्णु महापुराण में इसका वर्णन भी आया है, देवताओं को बुला करके, गणों को बुला करके जो है आपस में युद्ध करा दिया गया, फिर भी गणेश जी हार नहीं मान रहे हैं, किसी से पराजित नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि जब भी युद्ध करने में शुरुआत करते हैं तो माता पार्वती को याद करते हैं, तो माता पार्वती को याद करने के बाद उनको शक्ति प्रदान आ जाती है, जैसे ही अपने आप में शक्ति आ जाती है तो और युद्ध करते हैं, कभी पराजित नहीं हो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने देखते दंग रह गए, भैया आया कहां से है, न पराजित हो रहा है, न मेरे गणों से पराजित नहीं हो रहा है, हे कौन? बार बार बोले कि देखो अभी कह रहा हूँ नहीं हटे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। सभी देवताओं ने समझाया, फिर भी हठपूर्वक वहां पे खड़े हो गए। भगवान भोलेनाथ को आया गुस्सा और सभी गणों को दर्शाते हुए बोल रहे, अरे नपुंसक जैसे युद्ध लड़ रहे हो, एक बालक को हरा नहीं सकते हो, इस समाज जैसे ही क्रोध में आ गए तो पहले अपना त्रिशूल उठाते हुए पहले तांडव नृत्य नचाया वहाँ पे, और तांडव करते हुए अपने इतने क्रोध में आ गए कि जैसे ही अपना त्रिशूल फेंक के मारा तो उसी गणेश जी का जो है सिर छेद कर दिया। तो एक तरफ जो है भगवान गणेश का शरीर पड़ा है, एक तरफ जो है उनका सिर पड़ गया। इस बार जैसे ही वहां पे ऐसी बात हुई तो सभी देवी देवता चकित हो गए, अरे भगवान भोलेनाथ ने ये क्या कर दिया, किसको मार दिया? तो इधर पार्वती मैया को नारद जी जाके सुना रहे कि देवी देवी यहाँ पे क्या हो रहा है। तो भगवान भोलेनाथ ने सोचा देखो पता लगाओ ये किसका पुत्र था। तो आदि ऋषि मुनियों ने पता लगाया कि ये तो गिरिजा का ही पुत्र था, आपका ही पुत्र था भोलेनाथ, आपने आपका ही पुत्र का वध कर दिया। इस प्रकार जब बताया तो पार्वती मैया जैसे ही कक्ष से बाहर आई तो पार्वती मैया ने आदेश दिया कि अभी जिसने मेरे पुत्र का सिर छेद कर दिया है उसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैं ऐसा करूंगी सारे पृथ्वी का मैं जो है संहार कर दूंगी, मुझे कतई सहन नहीं कि मेरे पुत्र को मार दिया, इसलिए संहार करने का वहां पे आदेश दे दिया कुपित होकर के। तो सभी देवी देवता जो है पैर छूने लगे, विनती करने लगे, स्तुति करने लगे कि हे देवी मैया हमारे ऊपर कृपा करें। तो देवी मैया जो है काली रूप धारण करके एकदम रौद्र रूप देकर के टेढ़ी नजर से क्रोध नजर से देखती हुई देवताओं के ऊपर बिल्कुल कृपा नहीं कर रही है, और इसी प्रकार सभी धरती का संहार होने लगा, और संहार होते जैसे ही एक पैर रख रही तो धरती हिल रही है, इस प्रकार देवी मैया पूरित हो गई। तो सभी देवी देवताओं ने सोचा कि अब चाहे जो हो जाए जितनी स्तुति करनी पड़े कर लेंगे, लेकिन देवी को मना के ही छोड़ेंगे। तो सभी देवी देवता झुक करके नीचे प्रणाम करके देवी मैया की ओर देख के बोल रहे हैं कि देवी कृपा बरसाई है, कितना ही नहीं ये विष्णु भगवान, ये ब्रह्मा जी, और हम तो आपके ही पुत्र है। क्यों? क्योंकि हमारे संत महात्माओं ने भी इसका वर्णन किया है, इसका तो मराठी में वर्णन किया, पहले कोठीची नव्हते काही, एक शून्याची होते पाई, तेथे एक ढाल गजा तयार झाली व तिने एवढी ख्याती। तो मराठी में हो गया वर्णन, पहले कहीं कुछ नहीं था, फिर जो सबसे पहले बनी वो तो माता ही बनी, जगदम्बा मैया ही बनी, ऐसे देवी भागवत के अनुसार इसका वर्णन आता है। तो इस प्रकार सभी देवी देवता जो है विनती करने लगे, फिर भी मैया क्रोध से देख रही है और दुखी मन से अपने बेटे के शरीर को देख रही है कि मेरे बेटे को हाय इसने इन लोगों ने मार डाला, उसका सिर छेद कर दिया, इनको मैं कतई माफ नहीं करूंगी। इस प्रकार फिर बारंबार सोचते हुए जो है फिर जैसे ही भगवान भोलेनाथ की ओर देखा, ब्रह्मा जी की ओर देखा, विष्णु जी की ओर देखा, सब हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे, स्तुति गा रहे, तो फिर भगवान यहाँ पे मैया ने अपने आप को शांत कर लिया, और शांत करते हुए देवी देवताओं से कहा ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं सब प्रलय रुका देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरे बेटे को फिर से जीवित करोगे और जीवित करने के बाद उसको सबसे प्रमुख पद दोगे देवी देवताओं में, तब मैं ये सब प्रलय करना बंद कर दूंगी,
ऐसी शर्त करने के बाद देवी देवता को सोचने लगे, अब हम प्रभु को ऐसा कौन सा दे। उस प्रकार बोले, सोच रहे हो तो फिर मैं प्रलय में लग जाती हूँ, फिर भी फिर हाथ जोड़ के क्षमा मांगा, क्षम्यताम नहीं, हम अभी अपने काम में लग जाते हैं। फिर कहा जाओ, भोलेनाथ से पूछा गया, तो भोलेनाथ ने कहा, अगर किसी का सिर लाना है तो नहीं जा सकते, उसका छेद-छेद भी नहीं कर दिया है। शरीर गणेश जी का पड़ा हुआ था, उसने पहले पोछा, फिर उसको सुंदर से रख दिया और सिर लेने के लिए निकले, तो भगवान भोलेनाथ से गणों ने पूछा कि किसका सिर लेके आए। बोले, जाओ उत्तर दिशा में जाओ और पहले जो भी प्राणी मिले, एक दांत का जो भी प्राणी मिले उसका सिर लेके आओ। तो जैसे उत्तर दिशा में गण गए और गण जाने के बाद उत्तर दिशा में जो बैठे थे एक दांत के जो थे वो गज थे, माने हाथी बैठा था, तो उसी का हाथी का सिर काट करके लेके आए। लेके आने के बाद फिर भगवान भोलेनाथ ने ही उसका वो गज का सिर और गणेश जी का शरीर आपस में सभी सिद्धियों के साथ जोड़ दिया गया। जोड़ने के बाद फिर सभी देवी देवताओं ने उसी को आशीर्वाद दिया, तो आशीर्वाद देते ही सब वही गणेश जी उठ करके बैठ गए। बैठने के बाद फिर पहले तो अपनी मैया को देखने लगे, मैया मैया करते ही जैसे ही माता पार्वती ने देखा कि मेरा बेटा तो फिर से जीवित हो गया, तो अपने मन में ममता उमड़ती हुई फिर आई और गणेश जी को गले से लगा लिया। गले से लगाते ही उसको आलिंगन देते हुए उसको बार बार चूम रही है, झुलार रही है, मुस्कुरा रही है, लाड़ प्यार कर रही है। इस प्रकार जैसे ही सब में देवी देवताओं ने देखा तो शर्त याद आ गई, जीवित तो कर दिया, अब इसको प्रमुख पद कैसे दे। तो इस प्रकार जैसे ही याद आया तो फिर भगवान भोलेनाथ ने कहा, चिंता ना करो, ये जो है विष्णु ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता मिलकर के उसी बालक के ऊपर गणेश जी को आशीर्वाद देकर के कहा कि जब 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 हम तीनों की पूजा होगी, हम तो सब में से प्रमुख देवता है, लेकिन जब जब हम तीनों की पूजा होगी तो हम तीनों से पहले भी सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी, सबसे पहले तो गणेश जी को ही पूजा जाएगा। और जब जिस जगह गणेश जी को अगर पहले ना पूजा गया हो तो वहां कभी रिद्धि सिद्धि नहीं आएगी और वहां कभी भी वो कोई मनवांछित कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए हम सब तीनों मिल करके सबको ये आशीर्वाद देते हैं कि सबसे पहले प्रमुख पूजनीय तुम ही रहोगे। फिर देवताओं ने आशीर्वाद दिया, किसी ने सिद्धि प्राप्त करा दी, किसी ने फिर उनको विद्या प्राप्त करा दी। शंकर जी आए और भगवान भोलेनाथ ने जो है गणेश जी के सिर पर से हाथ गिराते हुए उनको लाड़ प्यार करते हुए अपने गोदी में बिठा लिया और कहा कि तुम्हारी जो है जन्म की तिथि में जानता हूँ, तो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो थी, जब चंद्रमा उदय हुए थे शुभ अवसर पर, तभी तुम्हारी जन्म की तिथि तुम निश्चित याद रखिएगा। तो इस प्रकार बाद में फिर भगवान भोलेनाथ को आशीर्वाद भी भगवान भोलेनाथ ने दिया था कि जब जब कोई जीव चतुर्थी के दिन अगर व्रत करेगा तो उसके सब मनवांछित कार्य जो है, मन में इच्छा जो है वो सब पूरी होंगी। इसीलिए जो है चतुर्थी जो है गणेश जी की मानी जाती है, स्त्रिया हो पुरुष हो जो भी जीव हो वो चतुर्थी का व्रत करता है। इस प्रकार यह व्रत का भी कुछ महिमा बताया है। तो आगे चल करके फिर सभी देवी देवता जो है भगवान गणेश जी को आशीर्वाद देकर के सब अपने अपने स्थान पर निकल गए। भगवान शिव गणेश जी के साथ और कार्तिकेय के साथ अपने कैलाश पर्वत पर घूम रहे हैं। एक दिन भगवान भोलेनाथ को और भगवान राम को याद कर रहे हैं कि हे प्रभु, जब मैं पहले योगी था तब तो मेरे पीछे कोई आना जाना नहीं था, नहीं, और जब मुझे आपने गृहस्थी बना दिया तो इस चक्कर में मैं फंस गया। हे भगवान भोले, हे भगवान राम, हे मेरे इष्ट देव, कभी भूलू नहीं, मेरा तन मन धन जो है वो आप ही के श्री चरणों में लगा रहे। तो आइए हम आप सभी भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और एक भजन गान करते हैं।
थोड़ा जोर से हरे हर महादेव। मेरे मुख में Oh,
में अपना नाम लेने की मुझे हमेशा ही इतनी कृपा कर वर्णन किया है। चाहे मुझको कोई दीवानी कहे, सभी के घर में तो देवी देवता तो ही, अपने घर में छोटे छोटे देवी की मूर्तियां तो रहती है, तो सुबह शाम प्रभु को एक विनती जरूर कर दे कि भगवान भोलेनाथ मैं बहुत नास्तिक हूँ, मानती हूँ मैं बहुत अधम हूँ, इतना तो मेरा अधिकार ही नहीं है कि आपसे कहने का, फिर भी जीव तो आपका ही हूँ, बच्ची तो आपकी हूँ, तो इतनी कृपा कर देना कि मैं आपको भूल ना पाऊँ, एक बार आपका स्मरण दिलाने का काम आपका बनता है। क्योंकि अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो माता पिता उसको डांटते हैं कि नहीं डांटते, सुधारते हैं, तभी तो आगे जाके बड़ा बनता है, तभी तो संस्कारी जीवात्मा कहलाता है। तो माता पिता उसको सुधारते हैं बचपन से ही, जैसे एक घड़ा जैसे बनाया जाता है, तो बनाते बनाते पहले तो उसको कीचड़ में, फिर कीचड़ बनाया जाता है, फिर कीचड़ से के बाद फिर उसको गोला बनाते हुए, फिर उसको आकार देते 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 फिर वो एक घड़ा बनता है, फिर उसको जो है कुम्हार जो है क्या करता है, सुखा के फिर बेचता है। तो इसी प्रकार माता पिता क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक कीचड़ के भांति जो है गोला बनाते हुए उसको संस्कार देते 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 एक संस्कारी जीवात्मा रूपी एक घड़ा बना देते हैं, तो तब बच्चा आगे जा करके उनका नाम अच्छा करता है। तो वैसे ही हम हैं, हम लोगों को भगवान से एक ऐसी प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, भले हमको याद ना आए दिन में वो चलेगा, लेकिन शाम को जब हम दीपक जलाने जलाते हैं ना, सब आप जलाते हो घर में अपने दीपक, तो जैसे दीपक जलाते हैं ना, तो एक बार जरूर भगवान से कह देना, मैं नाम नहीं लेता हूँ, ये गलती आपकी, मैं आपको याद नहीं करता हूँ, ये गलती आपकी, क्योंकि आपने मुझे वैसे ढका ही नहीं है, वैसे आपने मुझे गड़ाई में क्या करूं, इतनी कृपा करना कि मैं अधम जीव होते हुए भी मैं आपको बार बार याद करूं, ये काम आपका बनता है, ये कर्तव्य कैसे करना। इस प्रकार यहाँ फिर आगे चलता है, ब्रह्मा जी से कि हे प्रभु आपने जन्म की कथा तो सुना दी, अब आगे की क्या क्या लीलाएं हुई, बालपन की लीला भी हम आप सुना दीजिए। तो इस प्रकार जो है गणेश जी और कार्तिकेय थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, तो बड़े होते होते एक दिन जो है, आपको पता है गणेश जी को बुद्धि की देवता क्यों कहा जाता है, उनमें इतनी बुद्धि कैसे आ गई। तो एक बार जो है जब माता पार्वती के मन में अपना खुद का घर बने, ये जब आया तो भगवान भोलेनाथ ने उनके लिए घर भी बना के दिया था, वही घर वही सोने की जो घर बनाया था वही लंकेश को रावण को दिया था, वहां लेके गया, फिर वही सोने की जो लंका कहलाई, फिर लंका में लेके गया, फिर वहां लंका को दान दे दिया था, लेकिन वही घर पहले बनाया गया था। तो अब देखिए जिसका घर बनता है तो पहले गृह प्रवेश तो कराना ही पड़ता है, पहले ब्राह्मण देवताओं को बुला करके, पहले पूजा विधि करा करके, फिर घर में रहने के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार कुछ पूजा छोटी मोटी माता पार्वती ने रखी थी, तो उस पूजा के लिए ऋषियों को बुलाया गया था, ब्राह्मणों को, तो जैसे ही बुलाया हर हर महादेव, और थोड़ा जोर से हर हर महादेव। तो जब उन छोटी मोटी पूजा के लिए ऋषि मुनियों को जब बुलाया गया, अब पूजा खत्म होने के बाद ऋषि मुनि तो सोच के आए थे, माता ने बुलाया है, तो जाने
पूजा हो तो उसके बाद दक्षिणा तो नहीं मिले। यज्ञ और दक्षिणा ये दोनों पति पत्नी है, तो जहाँ यज्ञ होगा वहाँ तो दक्षिणा होगी, क्योंकि अगर जहाँ यज्ञ हो और दक्षिणा न दी जाए तो यज्ञ पूरा होता ही नहीं है। ये मैं नहीं बोलूंगी, इसका तो मैं प्रमाण भी आपको दूंगी, क्योंकि तस्मात् छाश्रम प्रमाणन्ते, खुद की मन की तो कोई बात नहीं बताऊंगी। सब सुन भी रही है तो आप थोड़ा बहुत तो विचार कर ही सकते हैं, क्या मैं ऐसे ही आ गई? नहीं, मैं जो है मैं खुला बोलती हूं, सबको बताइए ऐसे ही आ गई? किसी ने बुलाया होगा, कुछ तो देंगे तभी तो आई हूं। ये मैंने ही बोली, कलयुग का गुण है भाई। यस्यास्ति वित्तस्य नरकुलीन सपंडितस्य सुतवान गुणज्ञ स एव वक्ता सच्च दर्शनीय सर्वे कांचनमाश्रय। सब गुण कलयुग में जो है वित्त में आकर के, अगर कोई जीव जिसको कुछ ना आता हो, उसको भले विद्या प्राप्ति ना हो, बोलना भी ना आता हो, छोटा सा माइक लेकर के खड़ी हो जाए, कुछ भी बोल दे, कुछ ना आता हो, और अगर धनवान हो, बहुत बड़ा धनवान, कोई नर अगर कुलीन ना हो, बड़े खानदान का ना हो, अच्छा कुल का ना हो, फिर भी अगर उसके पास धन हो, फिर भी उस नर को, उस जीव को कुलवान कहा जाएगा। इस प्रकार कहने का तात्पर्य हमारा कहा था, हर हर महादेव। तो यज्ञ और दक्षिणा ये दोनों पत्नी हैं, जहाँ यज्ञ होगा वहाँ दक्षिणा तो नहीं जाती है। इस प्रकार सभी ऋषि मुनियों ने सोचा कि हम जिस काम के लिए जा रहे हैं, पूजा विधि करने के बाद हम सबको तो दक्षिणा मिलने ही वाली है, तो सभी ने पहले ही सोच लिया क्या मैं दक्षिणा क्या मांगे, क्योंकि भाई जगदम्बा जननी मैया देने वाली है, तो क्या ऐसी दक्षिणा मांगे कि हमारा हमेशा के लिए ही कल्याण हो जाए, फिर ऐसी कोई बात ना आए कि हमको हाथ पसारने की जरूरत पड़ जाए, ऐसा क्या मांगे। तो सभी ऋषि मुनियों ने सोचा और कहा कि हम जाएंगे, जब यज्ञ पूरा होगा तो साक्षात भोलेनाथ को ही मांग लेंगे, क्यों? क्योंकि अगर भोलेनाथ हमारे पास रहेंगे तो माता पार्वती उनके पीछे पीछे तो आएगी आएगी, फिर हमको किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। तो जैसे ऋषि मुनि गए, पूरा पूजा विधि खत्म होने हुआ और जब दक्षिणा की देने की बारी आई तो माता पार्वती से शिव को ही ले लिया, बोले हमको दक्षिणा के रूप में भगवान शिव को ही दे दीजिए। अब भाई ब्राह्मण को ऐसा होता है, अगर कुछ शब्द दे दिया तो पूरा करना ही पड़ता है। तो इसी प्रकार माता पार्वती सोच रही है कि ये तो ब्राह्मण है और अगर मैं इनको मना कर दूं कि मैं मेरे पति को नहीं दे सकती तो मुझे इसका दोष लगेगा, मैं क्या करूं? फिर सोच के अपने हृदय में बहुत सारा कष्ट लेकर के रोती हुई बिलखती हुई एक कोने में जाकर के बैठ गई, और बैठने के बाद फिर रोते हुए जैसे ही गणेश जी वहां पे आए तो गणेश जी ने देखा, अरे मैया रो रही है, ऐसा क्या हो गया, किसने रुलाया मेरी मैया को? फिर जाते ही पास जाकर के पूछ रहे हैं, मैया मैया क्यों रो रहे हो, क्या कारण हो गया, किसी ने कुछ बोला क्या? बोले नहीं बेटा। तो फिर क्या हो गया, आपके रोने का क्या कारण क्या है? तो इस प्रकार जब पूछा तो मैया ने गणेश जी से कहा कि अरे जो ऋषि मुनि हमारे यहाँ यज्ञ पूजा जो करने आए हैं ना, वो दक्षिणा के रूप में आपके पापा को मांग रहे हैं, माने आपके पिता को मांग रहे हैं। इस प्रकार जब गणेश जी को बताया तो गणेश जी ने बोला कोई बात नहीं मैया दे तो लो। बोला अरे 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 मेरे पति देव है, तुम्हारे पिता है, वो जहाँ रहेंगे वही मैं रहूंगी, मैं उनको कैसे समर्पित कर सकती हूँ, मैं उनसे अलग नहीं रह सकती, मैं उन्हीं के साथ में रहूंगी और मैं तुमको तो छोड़ के नहीं जा सकती। बोले एक काम करो भैया, तुम्हारा काम भी बन जाएगा और ऋषि मुनियों का दक्षिणा लेना भी बन जाएगा। अगर ऋषि मुनि तुम्हारे पास दक्षिणा के स्वरूप में आपके पति माने हमारे पिता को मांग रहे हैं तो आप दे दीजिए, लेकिन ऋषि मुनियों से आशीर्वाद जरूर लेना,
जब आप आशीर्वाद, बोले कैसे ले आशीर्वाद, बोले जब आशीर्वाद देने के लिए, लेने के लिए जब जाओगी तो आशीर्वाद रूप में फिर पति को मांग लेना। ये तो बढ़िया बात बोली तुमने। अरे तुम्हारी ऐसी बुद्धि कहाँ से आई, इतनी बढ़िया, मुझसे भी छोटे हो, मैं तो तुम्हारी जननी हूँ, माता हूँ, ये बुद्धि मेरे अंदर तो नहीं आई, तुम्हारे अंदर कैसे आ गई। तो शास्त्रकार बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, गजानन भूत गनादि सेवितम। गजानन क्या सेवित करते थे, क्या खाते थे, तो बोले कपित्त जंबू फल सार भक्षितम। कपित माने खाते थे और जंबू माने जंबुल खाते थे। इस प्रकार कपित जंबू फल सार भक्षितम, ये सभी फलों का सार है, जैसे सभी ग्रंथों का, सभी शास्त्रों का सार है, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, वैसे ही शास्त्रकार बोलते हैं। एक कवि बोलता है कि सभी फलों का सार क्या है, तो कपित जंबू फल सार भक्षितम, रोज खाते थे, इसीलिए उपासकम शोक विनाशकारकम, बेटे ने कर दिया। भगवान विघ्नेश्वर को, गणेश जी को वंदन करते हुए शास्त्रकार वर्णन करते हैं कि हर जीव को कपित माने पपीता और जामुन तो खाना ही चाहिए, क्योंकि ये फल खाने से उनकी बुद्धि का जो है वृद्धि होती है। इसलिए अगर किसी की बुद्धि ना चले ना, छोटे से अगर बहुत रोता ही रहे, मंद बुद्धि वाला हो, बहुत सारे कपित मुझे देखने के लिए मिले हैं, आपके घर में तो बहुत भरे भी पड़े होंगे, लेकिन आप जब खिलाएंगे और उनको बुद्धि अगर आई नहीं तो मेरे पास लेके आएंगे, फिर मैं क्या बोलूं। ऐसा शास्त्र शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र के सहित बोल रही हूँ। उन्होंने अपनी मैया अशोक का विनाश कर दिया। इस प्रकार छोटी छोटी जो बाल लीलाएं हैं गणेश जी अपनी मैया के आंगन में किए जा रहे हैं। भगवान और गणेश जी महाराज जैसे ही भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से जैसे कैलाश के ऊपर वहाँ बैठे थे, तो बड़े होने के बाद अब पहले किसका विवाह कराए, क्योंकि जैसे ही विवाह की बात भगवान के श्रीमुख से सुनी, उसके कारण से गणेश जी लड़ने लगे। बोले ना ना ना, पहले तो मेरा ही विवाह होगा। बोले नहीं, तो पहले किसका कराए। तो भगवान भोलेनाथ ने एक शर्त रख दी, बोले एक काम करो, मैं तुमको एक काम बताता हूँ, सबसे पहले अगर कोई करके आएगा तो उसका विवाह मैं पहले करूंगा। क्या बताया, तो यश्चैव पृथ्वीं सर्वं क्रांत्वा पूर्वम् उपाव्रजेत तस्यैव प्रथमं कार्यो विवाह शुभ लक्षणः। बोले कि अगर कोई इस पृथ्वी की सात परिक्रमा लगाएगा पहले आएगा, उसका विवाह मैं पहले कराऊंगा। जैसे ही बोला तो कार्तिकीय इतना सुनते ही एक क्षण भी नहीं रुके और अपने वाहन मोर के ऊपर आरोहण करके निकल गए, सात परिक्रमा करने के लिए निकल गए। इधर गणेश जी अपने वाहन चूहे के ऊपर जैसे बैठे, तो चूहे जो है सब गए, मेरी तो परिक्रमा होना तो मुश्किल ही है, कैसे मेरा घर बार होगा, कैसे संसार होगा, दिमाग देता है ना भाई। अब कपित और जामुन जो खा रहे हैं उनकी बुद्धि कहाँ कहाँ नहीं चल सकती, तो इस प्रकार अपनी बुद्धि लड़ा रहे हैं। बोले एक काम करता हूँ, झटपट अपने माता जी और पिताजी से कहा कि मैया पिताजी मैं बताता हूँ उस जगह आप आइए। तो एक पत्थर के ऊपर दोनों को जो है पत्थर के जो आसन थे बनाए, तो उसी वटवृक्ष के नीचे जो है माता पिता को बिठा दिया, तो आप दोनों यही बैठना, उनके चरणों के जो है उनको चरणों को धोकर के पूजा करके उनको तिलक लगा करके जो है गणेश जी ने उनकी ही सात परिक्रमा की। सात परिक्रमा करने के बाद भगवान भोलेनाथ कह रहे, अरे बेटा तू ये क्या कर रहा है, गणेश ये क्या कर रहा है, तुम जाओ जल्दी जल्दी अपने भाई से भी पहले परिक्रमा करके आओ। बोले नहीं,
चला गया, हृदय को तुम शहर बाहर जाओगे तो तुम्हारा ब्याह नहीं हो सकता, मैं किसी से ब्याह नहीं कराऊंगा। तो बोले नहीं पिताजी, मेरा तो ब्याह जल्दी से ही हो जाएगा, रुकिए थोड़ी देर। फिर जल्दी 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 जो है सात परिक्रमा पूरी कर करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले पिताजी अब दुल्हन ढूंढिए। ऐसे कैसे दुल्हन ढूंढ ले भाई, पहले सात परिक्रमा पूरी तो करके आओ। बोले नहीं नहीं आप दुल्हन ढूंढना शुरू कर दीजिए, मेरा ब्याह जल्दी कराइए। इतनी जल्दी कैसे बच गई, पहले परिक्रमा पूरी करके आओ। बोले आप धर्म की बात नहीं जानते हो, सर्वस्व होते हैं, सब पृथ्वी तो आप ही में बसी है, आपके श्री चरणों में बसी है, तो इसीलिए मैंने तिलक चंदन लगा करके पूजा करके आपकी परिक्रमा पूरी की है। तो पिताजी आपके शर्त के अनुसार तो मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया, तो जल्दी जल्दी मेरा विवाह करा दीजिए। कितनी जल्दी आपको भी सुनने के लिए मिलेगा, यहाँ झांकी आएगी, आप भी दर्शन करेंगे। सभी देवी सुंदर मोहक और इधर जो है विश्वरूप नाम के एक उद्योग करने वाले जो एक थे राजा, उनको जैसे ही पता चला कि गणेश जी ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, बहुत बड़ी बुद्धि के देवता माने जाते हैं, तो अपनी दोनों सुंदरी कन्याओं एक का नाम था सिद्धि और एक का नाम था बुद्धि। निकाल करके वहाँ पे सुंदर तैयारियां चल रही है, लग्न कुंडलियां जुड़ रही है, इधर से आए जा रहे हैं। फिर बहुत ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी निर्मलात्मा शुद्धात्मा पवित्र आत्मा वहाँ सब आ गए। इतना ही नहीं शिव के गण आ गए, इतना ही नहीं वहाँ सभी ऋषि मुनि आकर के देवियों को भी बुलाया। कौन सी देवी? सभी नदियों को बुलाया, सभी सागर भी आए, जितने सात सागर थे वो भी अपने मूर्ति रूप में आए, और सभी देवी देवताओं के सामने में दोनों को बुला करके इधर तो बहुत सुंदर की तैयारी तो ये कैलाश पर्वत पे की जा रही थी। इसी प्रकार हम एक काम करेंगे, हमारे भी दूल्हा दुल्हन उधर सज रहे हैं, तैयार हो रहे, तो इधर आए यहाँ पे सुनेंगे भी और देखेंगे भी। कितना हमारा भाग्य है, सुनने को मिलता है, देखने को भी मिलता है, तो नाच गाने भी हम कितना आनंद लूटते हैं। इसी प्रकार और एक बार आनंद लूटते हुए हमारे दूल्हे जी गए
मोहन में तेरा दीवाना, गाऊ बस अब यही तराना। हाँ मनमोहन में तेरा दीवाना, गाऊ बस अब यही तराना। हरिनाम शू महापुराण कथा शू महापुराण प्रवक्ते श्रद्धेय नयनाताई साळवे कार्यक्रम स्थळ लोंढरे तालुका शहादा जिल्हा नंदुरबार।